नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड के एक बहुत ही जाने पहचाने डायरेक्टर कांति शाह के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड में लोहा और गुंडा जैसी मूवियां देके अपना नाम अमर कर दिया है। तुम्हारी ये गोली लोहे के शरीर के पार नहीं जा सकती। और इनका नाम बॉलीवुड में सालों तक याद किया जाएगा लोहा और गुंडा जैसी, बिना स्टोरी की, बिना कोई सरप्राइज की, सबसे ज्यादा ओवर एक्टिंग और बेहतरीन डायलॉग्स वाली मूवीज के रूप में। मुन्नी, मेरी बहन मुन्नी, तो तू मर गई? लंबू ने तुझे लंबा कर दिया, माचिस की तीली को खंबा कर दिया। मैंने तो तेरे लिए 300 छोकरे देखे थे, मगर तू तो कटेला गुर्दा यानी कि मुर्दा हो गई। ये दो मूवियां ऐसी हैं, इनको देने के लिए ऑस्कर अवार्ड भी कम पड़ जाए, तो इसके लिए एक नए अवार्ड की खोज हो रही है। अगर आपके जहन में कोई अच्छा सा नाम आता है तो नीचे कमेंट में हमें सजेस्ट करिए, कांति शाह को ढूंढ के ये अवार्ड दिया जाएगा उनकी लोहा और गुंडा मूवी के लिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कांति शाह ने लोहा और गुंडा के अलावा बॉलीवुड में और कितना रायता फैलाया हुआ है, उस सारे रायते को आज हम खंगालने वाले हैं। तो कांति शाह को हम बॉलीवुड में बी ग्रेड और सी ग्रेड मूवीज का बेताज बादशाह भी बोल सकते हैं। मूवियों के इतने खतरनाक नाम आपने शायद ही पहले कभी सुने होंगे। अभी मैं इनकी मूवियों के एक एक करके नाम बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के नाम ये अपनी मूवियों में रखते आए हैं। इनकी जो गुंडा मूवी है वो आजकल एक कल्ट मूवी का स्टेटस भी लेते जा रही है। कल्ट मूवी में आपको बता देता हूँ, कल्ट मूवियाँ वो मूवियाँ होती हैं जो जब रिलीज होती हैं उस टाइम पे पब्लिक के द्वारा पसंद नहीं की जाती हैं, लेकिन फिर काफी समय बाद पब्लिक को वो मूवियाँ पसंद आने लगती हैं। तो गुंडा मूवी का हाल वही है। अब आप समझ रहे होंगे कि गुंडा मूवी एक बहुत अच्छी मूवी होगी, बहुत अच्छी स्टोरी होगी, बहुत अच्छी एक्टिंग होगी, इसलिए लोगों को शायद अब पसंद आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। गुंडा मूवी में ना कोई स्टोरी है, ना कोई एक्टिंग है, बस चीप और भद्दे डायलॉग बस आपको गुंडा मूवी में देखने के लिए मिलेंगे, और उसी वजह से उस मूवी का मजाक बनाने के लिए लोग अब वो मूवी देखना पसंद कर रहे हैं, और वो मूवी धीरे धीरे एक कल्ट मूवी का स्टेटस लेती जा रही है। ये आप IMDb पे भी देख सकते हैं, गुंडा मूवी को आज की डेट में 8.3 की IMDb रेटिंग मिली हुई है, जो बॉलीवुड की बहुत अच्छी से अच्छी मूवियों को भी इतनी रेटिंग नहीं मिली हुई है। कांति शाह एक गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं। 1988 में इन्होंने अपना कैरियर बॉलीवुड में स्टार्ट किया था एज अ प्रोड्यूसर। सबसे पहली मूवी इन्होंने प्रोड्यूस की थी मार धाड़। मूवी का नाम ही आप समझ सकते हैं, मार धाड़। और उसके बाद कांति शाह ने बहुत सारी मूवियों को डायरेक्ट किया हुआ है। उस मूवी के नाम मैं आपको यहाँ पे लेके भी बता देता हूँ, जैसे गंगा जमुना की ललकार, बसंती तांगे वाली, गंगा बनी सोला, फूलन हसीना रामकली, आग का तूफान, रानी और महारानी, आग और चिंगारी, आग आंधी और तूफान, वीर, रंगबाज, लोहा, गुंडा, भूत का डर, डकैत क्वीन, मुन्नी भाई, डाकू रामगली, जल्लाद नंबर एक, मेरी जंग का ऐलान, डाकू गंगा जमुना, आग के सोले, आग का गुंडा, कलियों का बादशाह, जगीरा, जंगल की सैनी, कातिल चुड़ैल, और तमाम ऐसी कितनी मूवियां बनाई हुई है। जितने आप इस टाइप के नाम सोच सकते हैं वो सारे नाम कांति शाह ने अपनी मूवियों को दिए हुए हैं। कुछ और मूवियों के नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे खूनी शैतान, सोला भाई, जंगल के सोले, मेरी गंगा की सौगंध, प्यासा हैवान, प्यासी, प्यासी भूतनी, अंगूर, गलियों का बादशाह, जगीरा, फ्री एंट्री, MMS कांड, ओके, हॉन्टेड जंगली, इस टाइप की तमाम और ढेरों मूवियां कांति शाह ने डायरेक्ट की हुई हैं, जिनकी आपको शायद विकिपीडिया में भी जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बी ग्रेड, सी ग्रेड या उससे भी नीचे ग्रेड की मूवियों की श्रेणी में आती है। और इन्होंने मैक्सिमम मूवियों में एक हीरोइन को कास्ट किया हुआ है जिसका नाम है सपना। इनकी हर मूवी में आपको ये एक्ट्रेस देखने के लिए मिल जाएगी, और 2001 में इन्होंने अपनी इस एक्ट्रेस के साथ शादी भी कर ली थी। कांति शाह और इनके एक दोस्त सुदीप मुखर्जी मिलके बी ग्रेड मूवियों को प्रोड्यूस करते थे और एक कास्टिंग डायरेक्टर के रूप में काम करते थे, और इतने खतरनाक नाम पता नहीं ये कहां से सोच के निकालते थे और अपनी मूवियों में रखते थे। एक एक साल में इनकी कम से कम 8 से 10 मूवियां रिलीज हो जाती थी, और बॉलीवुड में इनके सबसे फेवरेट एक्टर थे धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र को लेकर इन्होंने बहुत सारी मूवियां बनाई हुई हैं, और उनके नाम भी कुछ अजीब टाइप के हैं, जैसे जल्लाद नंबर एक,
और ऐसी बहुत सारी मूवियां धर्मेंद्र को लेके इन्होंने बनाई हुई हैं। इनके द्वारा डायरेक्ट की गई मूवियां आपको शायद अब यूट्यूब पे भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, नेट पे भी देखने के लिए नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये बेसिकली मूवियां इनकी टॉकीज में रिलीज नहीं होती थी। इनकी मूवियां रिलीज होती थी डीवीडी के रूप में, जो कि बी ग्रेड और सी ग्रेड की ऑडियंस को टारगेट करते थे। तो ये बात हुई कांति शाह जी के द्वारा डायरेक्ट की गई मूवियों के बारे में। लेकिन बॉलीवुड में इनके द्वारा डायरेक्ट की गई लोहा और गुंडा मूवी हमेशा याद की जाएगी। एक मूवी कैसे डायरेक्ट करनी है जबकि उसका ना कोई प्लॉट है ना कोई स्टोरी है, बस कुछ डायलॉग्स आपके पास हैं और गिनी चुनी 4 से 5 लोकेशन हैं। इन मूवियों को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल 4 से 5 लोकेशन में पूरी की पूरी मूवी इन्होंने शूट की हुई है। लेकिन इन मूवियों ने उस टाइम पे अच्छी खासी कमाई कर ली थी, इसलिए इन्होंने बहुत सारी मूवियां इस तरीके की डायरेक्ट और प्रोड्यूस की हुई हैं। लोहा और गुंडा मूवी के लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप ऊपर इस आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको आप लाइक जरूर कीजिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई पर्सनालिटी या किसी नई फिल्म के टॉपिक के बारे में।